चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ और मैंने अभी रमेश सर का बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य सुना और बहुत ही ज्ञानवर्धक। सर ने गागर में सागर भरा बोध ग्रंथ का हमें परिचय दिया और साथ ही साथ थेरी गाथा के माध्यम से भिखुणी का जो परिचय सर ने दिया बहुत ही ज्ञानवर्धक था। निश्चय ही हम सब जानते हैं सर कि बहुजन समाज की स्त्रियां सदियों पहले शिक्षित थी और समाज के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, और जहां तक मैं समझती हूँ कि वो गुण अभी भी हमारे अंदर है, बस समय के साथ हमारे गुणों को ढक दिया गया और हमें जो है एक तरह से पिछड़ा वर्ग में ढकेल दिया गया, जिसकी वजह से हम आत्मग्लानी से भरे। लेकिन अब समय बदल गया है और अब हमारे समाज की बहनें जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं और पुरुषों के साथ निश्चय ही कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं। मैं सुमन बौद्ध दिल्ली से, मैं एक अध्यापिका हूँ। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी? आवाज क्लियर आ रही है बहन जी? आ रही है आवाज? कंटिन्यू करें। आ रही है आवाज, आ रही है, बोलो आप, कंटिन्यू करें। यस सर, मैं दिल्ली में अध्यापन कार्य कर रही हूँ। 25 वर्षों से मैं अध्यापन से जुड़ी हूँ और अध्यापन के साथ साथ मैं इस संघ से, आप, हम विद पीपल से जुड़ी हूँ, जिसे मुझे आर के बोध जी ने जोड़ा, और इसके साथ साथ मैं बोध संघ में, जो कि हमारा डाबरी स्थान पर है, वहां पर भी बोध ग्रंथ का व्याख्यान करती हूँ। तो आज मैं प्रातःकाल भी जुड़ी थी जहाँ पर सर ने मुझे जो है कहा कि आप प्रस्तुत कीजिए। तो मैं जो अपना व्याख्यान रखना चाहती हूँ, जैसे कि सर ने कहा कि अगर स्त्रियां आगे आए तो निश्चय ही समाज का स्वरूप बदल सकता है, खासतौर से हमारे बहुजन समाज का, क्योंकि बिल्कुल सत्य कहा है सर ने, क्योंकि परिवार का निर्माण स्त्रियों से ही होता है। कहा गया है कि अगर एक घर में स्त्री पढ़ी लिखी है तो समाज पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और ये बिल्कुल सत्य है। जिस घर की स्त्री पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और साथ ही अपने व्यक्तित्व से और बुद्धिज्म की जड़ों से अगर परिचित है तो अपने घर के स्वरूप को बदल सकती है। लेकिन कारण क्या है कि हम सब असलियत को जानते हुए भी हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। तो मैं इस मंच से, वी द पीपल के मंच से, सभी को मैं ये जो है विनती करूंगी अपनी बहनों से कि जो पाखंड का चोला हमने सदियों से ओढ़ा हुआ है, जिस कर्म कांड में हमको ढकेला हुआ है, उसको अब हमें उतार फेंकना है अपने घरों से, अपने जो है घरों से, और साथ ही साथ हमें एक ऐसे सुंदर अपने परिवार का, अपने समाज का निर्माण करना है जिसमें केवल बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का मार्ग, पंचशील का अर्थ हमारे बच्चे समझे और हम उस मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ें। मैं जहां देखती हूँ अपनी कई ऐसे हमारे बीच ऐसी बहनें आती हैं जो कहती तो हैं कि हम बौद्धिज्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब उनको देखा जाता है तो वही जो है हिंदूवादी परंपरा को वो ढो रही हैं। तो हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं बहनें। हमें आवश्यकता है हिम्मत के साथ एकजुट होकर कार्य करने की, और ये तभी संभव है जब हम अपने घर से शुरुआत करें। मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और निश्चय ही मैं अपने पूरे परिवार में, खासतौर से ससुराल के हिस्से में अगर मैं कहूँ तो एक मैं ऐसी मात्र जो है महिला हूँ, और मेरे जो है हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं, हम दोनों ने एक प्रकार से अपने परिवार में विद्रोह किया है और उस हिंदुइज्म परंपरा को छोड़कर हम बौद्धिज्म में सम्मिलित हुए हैं, और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को, तथागत बुद्ध के धम को आधार बनाकर हम जीवन को जी रहे हैं और समाज को अपने अनुसार हम जो है कुछ प्रदान कर रहे हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि एक सामाजिक सेवा करें कि हम कुछ अपने स्तर पर कुछ कर सके जिससे हमारा समाज
अगर मेरे साथ 10 लोग भी जुड़कर मेरे बताए हुए मार्ग कर अगर अनुसरण करने लगे तो ये मैं समझूंगी कि मेरी उपलब्धि हो जाती है। तो निश्चय ही अगर हम ये धारण कर लें अपने मन में कि हर घर की स्त्री अगर अपने साथ 10 स्त्री को जोड़ती है और स्मरण समाज से जोड़ती है, बहुजन समाज से जोड़ती है, बुद्धिज्म से जोड़ती है, तो हम ये हम मान लें कि अगर इस मंच पर मैं जहां देख रही हूँ संख्या की 250 से ऊपर पहुंची हुई है, तो आप समझ लीजिए कि ये समाज को बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो हमें हर स्तर पर इस कार्य को करना है। इस कारवा जो हमारे विद्वान जन हमारे जो है बौद्धिस्ट बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया है, आगे बढ़ाया है, हम सबको मिलकर बढ़ाना है। और वी द पीपल के साथ हमें अपने घर की प्रत्येक महिला, अपने गली की प्रत्येक महिला को जोड़ना है। सर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि समाज में चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, उन्हें वो अभी उनके अंदर अज्ञान भरा हुआ है कि जो अधिकार उनको दिए गए हैं वो अधिकार किसके फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं वो नहीं जानती हैं। अभी मेरे मैं अपने विद्यालय की ही बात बताऊं तो बहुत ही खूबसूरत अभी ये घटना घटी है। हल्की बात है कि मैं जब प्रवचन दे रही थी तो एक रिकॉर्डिंग है जो मैं अपने अध्यापक गण को दिखा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम आप बौद्धिज्म का तो प्रवचन देती हैं तो आपने ये अंबेडकर जी की फोटो साथ में क्यों लगाई हुई है। तब मैंने उनको कहा कि आप इस तरह की बात कर रही हैं पढ़ी लिखी होकर, आप नहीं जानती कि आप यहाँ बैठी हैं तो किसके बदौलत बैठी हैं। क्या आप इतिहास को अगर पन्ने को पलट कर देख लीजिए और बाबा साहब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए तब ये बात आप मेरे से नहीं कहेंगी कि आप ये जो अधिकार आपको प्राप्त है शिक्षिका बनी है किसके बदौलत बनी है। वो दूसरे धर्म की थी तो उसने कहा कि नहीं ऐसा, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए और फिर मेरे से ये प्रश्न कीजिएगा कि मैंने ये क्यों लगाया है। तो निश्चय ही वो उस दिन का है और आज जब भी मैं प्रवचन देती हूँ तो जो है वो सुनती है और कहती है कि क्षमा मांगा, फिर उसने कि नहीं सुमन जी आपने सत्य कहा। वो अलग बात है कि हमारे जो परिवार में जो हमें दिया गया है हम उसको अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो है और हम उस सत्य से आंखें नहीं मोड़ सकते हैं कि हम किसके बदौलत है। वो अलग बात है कि हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा जो गर्व हमारे अंदर जो घमंड है शायद वो हमारे आड़े आ जाता है और हम नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर सत्य से गहराई से जब हम तथ्यों को ढूंढते हैं कि वास्तव में समाज की महिला क्या थी और समाज को किस स्तर पर बाबा साहब ने स्थान दिया, तो निश्चय एक ही नाम उभर कर आता है। और चाहे हमारी सावित्री बाई फुले हो या ज्योतिबा फुले, वो सब हमारे लिए परम आदरणीय है, हमारे संत पुरुष हैं जिन्होंने जो है किस तरह से चुनौतियों का सामना करके, कितनी गहरी चुनौतियां होंगी आप कल्पना कीजिए। वो समाज आज इस समाज में हम जी रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, कहीं तो अंधविश्वास नहीं है, कोई तो जात पात नहीं है, लेकिन ये जात पात कहाँ दिखाई देता है, ग्रामीण क्षेत्र में हम चले जाएं तो। आज आए दिन हम घटनाएं पढ़ रहे हैं कि अभी हाल की घटना है जहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति फौज में है, दरोगा है, उसको विवाह के समय घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। शायद राजस्थान की ये घटना भी आई है, पिछले हफ्ते की कहानी है कि वो पुलिस के साये में घोड़ी पर चढ़कर अपना विवाह करने गया खुद पुलिस होकर। तो बताइए किस समाज में हम जी रहे हैं और हम उस समाज के पिछलग्गू बने हुए हैं। क्यों क्यों नहीं हम चुनौती दे रहे हैं, कहाँ कमी है, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो बहनों मैं इस मंच से विनती करूंगी और आग्रह करूंगी कि आइए और हम एकजुट होकर वी द पीपल के नीचे अर्थात वी द पीपल के वट वृक्ष के समान इसको हम पोषित करें, बढ़ाएं और इसके नीचे हम सब मिलकर आवाज उठाएं, बुलंद करें अपने आप को। और जैसे कि सर ने अभी कहा कि हम आपको स्थान देने के लिए तैयार हैं, आप लोग आइए, तो हमें आगे बढ़ना होगा निर्भीक होकर। बाबा साहब की बेटियां हैं हम, तो बाबा साहब को हमें प्रमुखता के साथ और अब रखना है। और वो समय आ गया, कहा गया था ना कि एक काल चल रहा था जब बाबा साहब को जितना हो सका ढका गया, दबाया गया,
कि ये कभी ऊपर ना आ सके, असलियत ना दिखे, लेकिन अब वो काल धीरे धीरे समाप्त हो गया। और मैं मानती हूं कि ये जो कोरोना काल आया है ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े और सोशल मीडिया पर जो है तहलका मचा है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ हमें सिखाया है कि हम जहां खुलकर बोल सकें, अपने विचारों को एक दूसरे से बांट सकें। आज हम जुड़े हैं तो सोशल मीडिया की बदौलत, तो हमें इस जो है विद द पीपल को आगे बढ़ाना है, इसके जो है प्रकरण को हमें इतना विस्तृत कर देना है कि हमारा जो 85% जो हमारा है बहुजन वो शासन करे। बाबा साहब ने क्या कहा, तुम शासक थे, शासक हो और शासक रहो। हमें शासक बनना है और शासक बनने के लिए अपने बहुजन समाज को समझना होगा, बहुजन समाज का नेता हमारा कौन है उसको जानना होगा, और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। क्योंकि अगर हम बिखर कर कार्य करेंगे तो हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो आवश्यकता है अपने अस्तित्व को जानने की, अपने महापुरुषों को समझने की। और सर, मैं बाबा साहब के एक एक प्रकरण को इस मंच से बोलना चाहूंगी। आपने बहुत ही खूबसूरत कहा कि बाबा साहब के किसी एक प्रकरण को लीजिए और उसके ऊपर बोलिए, तो मैं अपने आप को प्रस्तुत करती हूँ कि मैं इस पर, मुझे मौका दिया जाएगा समय समय पे तो मैं अवश्य उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्योंकि बाबा साहब के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, विद्यालय में कोई शिक्षा नहीं दिया जा रहा। 12वीं कक्षा की एक पुस्तक का मैं जो है आपको दिखाऊंगी जब मैं प्रस्तुत करूंगी, वो पुस्तक विद्यालय में लगाई गई है लेकिन उस वो पुस्तक को CBSE जो है 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ाने देती है, जिसमें बाबा साहब के संक्षिप्त जीवन से लेकर उनके सभी कार्य को बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो है लिखा गया है। लेखक का नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा, जिसको नहीं पढ़ाया गया, और वो पुस्तक लाइब्रेरी में धूल खा रही है। उठाकर जो है एक दिन मेरे हाथ लगी और मैंने देखा कितना खूबसूरत, वो बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें प्रस्तुत किया गया है, थोड़े ही शब्दों में लेकिन काफी कुछ सत्य उसमें है। तो मैं चाहूंगी कि उसी पुस्तक को आधार बनाकर मैं एक एक प्रकरण को अपने मंच से विद द पीपल के लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और जो कुछ भी हम एक दूसरे से सीख रहे हैं हम एक दूसरे को दें और अपने अपने वास्तविक अस्तित्व को, बाबा साहब के दिए गए वरदान को, अपने संविधान के अस्तित्व को और अपने महापुरुषों के, काशी राम हो गए, बहन मायावती हो गई, जो भी हमारे संत पुरुष हुए, महापुरुष, और वर्तमान काल में जो समाज हमारे लिए काम कर रहा है, हम एक दूसरे के बारे में जाने। आज थेरी ग्रंथ कितने लोग जानते, कितने बच्चे जानते होंगे, कितनी खूबसूरत कहानियां है थेरी ग्रंथ की। वो महिला जब सदियों पहले अक्षर का भी निर्माण कोई नहीं कर पाया था, लिपि का भी, उस समय हमारे समाज की महिलाएं अपनी कथाएं लिख रही थी। कभी आज सब हम बैठे इस मंच में, क्या कभी हमने अपने बाल्यावस्था में थेरी गाथा का महत्व जाना या कभी पढ़ा था हमने कहानियां? हम जातक कथाएं पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या चाल चला मनुवादियों ने कि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, लेकिन उसको कभी नहीं कहा गया कि महात्मा बुद्ध का जीवन से जुड़ा हुआ ये कहानी है। जातक कथाएं बता दी, आप जातक कथाएं उठा के देख लीजिए, उस पर कोई राइटर का नाम नहीं होता है, लेकिन जातक कथाएं कहा गया, नैतिक परक कहानियां किसी ने कहा है, ये सत्य समाज में ढक दिया गया कि तथागत के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जातक कहानियां, क्योंकि तथागत ने अपने जीवन को और जो उन्होंने अपने परिवेश में देखा उन सब को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया समाज के सामने, जिससे समाज सीख ले। तो इस तरह से ये जो है विद द पीपल हमारा एक अद्भुत मंच तैयार हुआ है। समस्त मैं कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि भारतवर्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रहा है, तो निश्चय ही हमारे लिए बहुत ही सुंदर मंच तैयार हुआ है, और हम सबको धीरे धीरे अपने संगठन को, इस संगठन को बढ़ाना होगा, इसको जमीनी स्तर पर भी लेकर हमें कर्मठ बनना होगा, तभी इसकी उपयोगिता बन पाएगी। तो मैं चाहूंगी कि मेरे ख्याल से समय हो गया अधिक, और मैं फिर अपना वक्तव्य रखूंगी,
तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय। एक्सीलेंट साधु साधु। बहन जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने कोई बात साधुवाद तो कर दूंगा। बहन जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए। सुमन कुमार बहन, आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami।